तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि तुम सुबह सुबह उठते हो और तुम्हारा सब्सक्राइब अकाउंट लिटरली वैसे का वैसा ही है जैसा रात को सोते समय था। लाइक लिटरली रात भर में यू गॉट 0 न्यू सब्सक्राइबर्स। या फिर उससे भी बुरा कि तुम्हारे व्यूज तो आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो अगर तुम इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो देन ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं 4 प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे तुम अपने सब्सक्राइबर्स इंस्टेंटली बढ़ा सकते हो। इनमें से कुछ चीजें तो तुम अभी जाकर इस वीडियो के बाद अपने चैनल पे चेंज कर सकते हो एंड यू विल स्टार्ट टू सी द रिजल्ट्स। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, रीडायरेक्टिंग व्यूअर्स। तो कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था अपने चैनल पे जिसमें मैंने अपने ऑडियंस से पूछा कि तुम लोग एक चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले उसके कितने वीडियोस देखते हो, लाइक एक एवरेज बताओ। और तुम देख सकते हो कि 70% से ज्यादा लोगों ने बोला कि वो लोग सब्सक्राइब करने से पहले एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस तो देखते ही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि व्यूअर्स ऐसे जानबूझ के करते हैं, बहुत बार तो हमारा ध्यान ही नहीं होता सब्सक्राइब करने पर, एंड दैट्स व्हाई अगर हमें वीडियो पसंद आती भी है तो हम उसे देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। फिर अगर बाद में YouTube हमें सेम क्रिएटर की कोई और वीडियो रिकमेंड करता है तब जाकर हमारा ध्यान शायद सब्सक्राइब बटन पे जाता है और हम उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो एज अ क्रिएटर ये जरूरी हो जाता है कि एक व्यूअर अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो हम उसे अपने चैनल की और भी वीडियोस दिखाएं। एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू इट इज टू यूज एंड स्क्रीन्स। लेकिन भाई मैं तो अपने सभी वीडियोस में एंड स्क्रीन्स लगाता हूं बट कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुनो, एंड स्क्रीन्स लगाने का भी एक सही तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैं 5 मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ जो न्यू यूट्यूबर्स करते हैं। अब इस वीडियो के एंड का हिस्सा तुम खुद ही देख लो। एंड आई एम टेलिंग यू, टाइटल्स इग्नोर करना इज अ बिग मिस्टेक। वीडियो पे अच्छा CTR लाने के लिए बस थंबनेल ही नहीं बल्कि टाइटल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट अगर तुम एक न्यू यूट्यूबर हो तो तुम्हें अच्छे टाइटल सोचने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर सिर्फ 2 स्टेप्स में अच्छे टाइटल लिखना सीखना है तो स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करो, तुमसे वही मिलूंगा। सो एज यू सॉ मैंने एकदम से रैंडमली एंड स्क्रीन नहीं ऐड किया बट व्यूज को एक रीजन भी दिया उस पर क्लिक करने का। अब अगर मैं तुम्हें इस टाइटल वाली वीडियो का एनालिटिक्स दिखाऊं तो तुम देख सकते हो कि एंड स्क्रीन से पूरे 1.1K व्यूज आए हैं। अब जिन लोगों ने मेरी इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो शायद इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब कर दिए होंगे। इन शॉर्ट एंड स्क्रीन्स लगाते वक्त व्यूअर्स को एक रीजन भी दो उस पर क्लिक करने का, सो दैट व्यूअर्स तुम्हारे चैनल की ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखें जिससे उनके सब्सक्राइब करने के चांसेस बढ़ जाएं। टिप नंबर 2, डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्किंग। ओके, तो जब भी मैं देखता हूँ कि किसी यूट्यूबर का चैनल ग्रो नहीं हो रहा है तो मैं उसे ये एडवाइस हमेशा देता हूँ कि डबल डाउन ऑन व्हाट्स वर्किंग। आसान भाषा में तुम्हारे जिन भी वीडियो से तुम्हें ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं वैसे ही और वीडियोस बनाओ। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किस वीडियो से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं? तो इसके लिए अपने YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स सेक्शन में आ जाओ, फिर टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे एडवांस मोड पे क्लिक करो, फिर मोर पे जाकर सब्सक्रिप्शन सोर्स सेलेक्ट करो और फाइनली YouTube वॉच पेज पे क्लिक करो। नाउ यू विल बी एबल टू सी कि तुम्हारी किन वीडियो से तुम्हें ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। अब तुम इन वीडियोस के जैसे और वीडियोस भी बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन मेक अ पार्ट 2 या फिर एक पूरा सीरीज क्रिएट कर सकते हो उस वीडियो के ऊपर। और ऐसा तुम्हें 2 रीजंस के लिए करना चाहिए। पहला कि उन वीडियोस को देखकर लोग तुम्हें सब्सक्राइब कर रहे हैं, विच मींस कि उनमें कुछ ऐसा वैल्यूएबल है जो लोगों को पसंद आ रहा है, यानी उन वीडियोस का ऑडियंस सेटिस्फेक्शन रेट बहुत हाई है। दूसरा रीजन ये कि उन वीडियोस पे तुम्हें आराम से व्यूज मिलेंगे, क्योंकि जिस टाइप की वीडियो तुम्हारे चैनल पे पहले से सक्सेसफुल है वैसे ही सिमिलर वीडियो पे व्यूज आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम को पहले से ही पता है कि एक ऑडियंस है जो उस टाइप के वीडियोस में इंटरेस्टेड है। तो अपने एनालिटिक्स में जाओ और वहां से एटलीस्ट 2 से 3 वीडियोस जिनसे तुम्हें मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं उनके जैसे सिमिलर वीडियोस बनाओ। टिप नंबर 3, अट्रैक्टिव ब्रांडिंग। तो ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम एक इंसान को बिना जाने ही उसके बारे में अपने मन में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि वो कैसा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। लाइक अगर कोई इंसान अपने हेल्थ, हाइजीन, ड्रेसिंग सेंस का पूरा ध्यान रखता है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी। एंड बहुत हद तक ये चीज़ें यूट्यूब पर भी अप्लाई होती है। अगर तुम्हारे चैनल की ब्रांडिंग अच्छी है तो बहुत लोग होंगे जो तुम्हारी वीडियो बिना देखे ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बिकॉज उन्हें तुम्हारा चैनल नेम, चैनल आर्ट या थंबनेल्स पसंद आ गया होगा। तुम्हारी ब्रांडिंग जितनी प्रोफेशनल होगी ऑडियंस का ट्रस्ट भी तुम पे उतना ज्यादा होगा। बट क्वेश्चन है कि YouTube पे अट्रैक्टिव ब्रांडिंग कैसे करें? तो वैसे तो ब्रांडिंग एक वास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर एक पूरी 10-15 मिनट की वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए इन शॉर्ट कुछ मेन चीजें बता देता हूँ जिससे तुम्हारा चैनल इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो जाएगा। लाइक नंबर 1, चैनल नेम जितना यूनिक एंड डिफरेंट होगा उतना अच्छा है। अगर उससे तुम्हारे चैनल के टॉपिक के बारे में पता चल रहा है तब तो और भी बढ़िया है। नंबर 2, अपने थंबनेल्स को जितना हो सके उतना कंसिस्टेंट रखो। लाइक तुम सभी थंबनेल्स में एक सेम कलर थीम या सेम फॉन्ट यूज कर सकते हो एंड यू विल सी कि चैनल एकदम से प्रोफेशनल लगने लगेगा। नंबर 3, तुम अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हो। अगर तुम्हारे चैनल पे डिफरेंट कैटेगरीज का कंटेंट है तो उनके लिए प्लेलिस्ट बना दो। फिर तुम YouTube स्टूडियो में कस्टमाइजेशन पे जाके लेआउट वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हो। लाइक देयर इज अ लॉट यू कैन डू टू मेक योर चैनल लुक अट्रैक्टिव। तो अगर उस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। टिप नंबर 4, डोंट आस्क टू सब्सक्राइब। तो टाइटल में लिखा है हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स और डिकोडिंग वाईटी हमें बता रहा है कि सब्सक्राइब करने को मत बोलो। यस यू आर राइट, डोंट आस्क व्यूअर्स टू सब्सक्राइब।
इसके पीछे रीजन ये है कि ये सब्सक्राइब टू माय चैनल टाइप के फ्रेजेस इतने ज्यादा कॉमन एंड ओवरयूज्ड हो चुके हैं कि व्यूअर अगर उसे सुनता भी है तो इग्नोर कर देता है, और मैक्सिमम क्रिएटर्स तो वीडियो शुरू करने के एक मिनट के अंदर ही व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम खुद सोचो एक मिनट के अंदर तुम व्यूअर्स को ऐसा क्या ही वैल्यू दे दोगे जिससे उनका तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करने का मन करेगा। सो इफ यू आस्क मी, तुम्हें व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए पूरे वीडियो में बोलना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इन माई ओपिनियन अगर किसी को तुम्हारा कॉन्टेंट जेन्युइनली पसंद आता है तो वो बिना बोले भी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इसका फायदा ये भी है कि व्यूअर के मन में तुम्हारे लिए ट्रस्ट बन जाता है, बिकॉज दे कैन सी कि तुम्हारा फोकस कॉन्टेंट पे है एंड नॉट ऑन व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। बट लेट्स से तुम्हें व्यूअर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना भी है तो उसका भी एक सही तरीका है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर सब्सक्राइबर्स इन द इंट्रो ऑफ योर वीडियो, तुम सब्सक्राइब करने के लिए तब बोल सकते हो जब तुम्हारे वीडियो में कुछ बहुत एंटरटेनिंग, वैल्यूएबल या इंपॉर्टेंट हुआ है। एग्जाम्पल, अगर तुम एक ट्यूटोरियल बना रहे हो तो जिस पॉइंट पे तुमने कुछ बहुत हेल्पफुल एक्सप्लेन किया है वहां पे तुम सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर वीडियो में नहीं बोलना चाहते देन एक एनिमेशन भी लगा सकते हो वाइल एडिटिंग लाइक दिस, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा तुम वीडियो के एंड में बोल सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एक वीडियो को एंड तक वही व्यूज देखते हैं जिन्हें वीडियो पसंद आई है, तो उस पॉइंट पे उनके सब्सक्राइब करने की प्रोबेबिलिटी भी हाईएस्ट होती है। अच्छा, ये तो थे 4 टिप्स जिनसे तुम अपने सब्सक्राइबर्स ग्रो कर सकते हो, बट व्हाट इफ तुम्हारे चैनल पे व्यूज ही नहीं आ रहे। ऐसे में चांसेस है कि तुम भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हो जो हर न्यू यूट्यूबर करता है।